गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। एंड आज के व्लॉग में मम्मा बना रही हैं दही बड़े एंड शी टोल्ड मी कि मैं उसको शूट करूँ एंड देन येस आई एम हेयर टू शूट एंड आई होप यू गाइज आर फाइन। एंड इफ यू गाइज आर न्यू टू आवर चैनल डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। और ये कि आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड वन स्टेटमेंट दैट हम बहुत ज़्यादा बिजी थे एंड दैट्स द रीज़न हम लोग बहुत इनएक्टिव थे और हम ब्लॉग्स वगैरह नहीं बना रहे थे क्योंकि हम लोगों को थोड़ा रेस्ट चाहिए था, रिलैक्स टाइम चाहिए था। एंड यस, हम लोगों ने अपने घर को अच्छे से सजाया है, क्रिसमस टाइम है एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड वो ज़रूर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आज के ब्लॉग में सिर्फ हम यही दिखाने वाले हैं कि मम्मा बना रही है दही बड़े एंड इट्स गोना बी रियली चटपटा ब्लॉग। सो या I'll give you the recipe. आज हम आपको दही बड़ों की रेसिपी देंगे। तो ये हम दही बड़े बना रहे हैं, बैटर हमने बना लिया, थोड़ी देर बना के रखा हुआ। ये पैकेट में बैटर यहाँ पे मिलता है, सही है, उसमें आपने कोई काम जाम नहीं करनी, बैटर मिलता है उसमें सब कुछ ही होता है, सही है। तो उसको हमने थोड़ी देर भगो के रखा हुआ बैटर को। तो अभी जो है ना, हम इनको ना स्लो आँच पे तलेंगे, सही है, चम्मच के साथ। ज़रा मैं ना कपड़े चेंज करने गई थी तो फिर आने को पकौड़े बना लिए तो अभी मैं खुद तल रही हूँ उनको, सही। तो इनको जो है ना इतना ज़्यादा नहीं पकाते, बस ज़्यादा हल्का करके बनाते हैं, स्लो आँच पे बनाते हैं, सही है। तो बन गया हमारा दही बड़ा। इनको यहाँ पे निकाल के यहाँ पे एक बाउल में आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना और उसमें थोड़ा सा नमक डालना। तो उसमें फिर जब आपने निकालने हैं ना तो उसमें निकाल के जाना, जैसे अब बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करने आपने, ऐसे जैसे हल्के हल्के होते हैं ऐसे, तो फिर आपने डायरेक्ट उसमें डाल देना, सही है। और यहाँ पे मम्मा ने ऑलरेडी आलू जो है वो बॉईल करके रखे हुए हैं और चने भी, दिखाती हूँ आपको। और ये चने जो कि मम्मा ने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं, चने आलू, और जब ये बनेगा तो आपको दिखाएंगे चम्मच नहीं इतना आता, बड़े बड़े। आप हाथ भी यूज कर सकते हो और आप स्पून भी यूज कर सकते हो, सब तो यू, लेकिन हमें आदत है भाई हाथ से यूज, मुझे तो आदत है कि हाथ से ज्यादा मजा आता है, मतलब तो उसमें फिर सही होता है। अब जब ये हो जाएंगे थोड़े से, फिर इनको हिलाना, एकदम से नहीं हिलाना, वो खुद ही ऊपर आ जाते हैं जब होंगे ना, खुद ही ऊपर आ जाते हैं। ये देखा ना, हाथ से जो डले ना वो सही है बड़े बने थोड़े, और जो चम्मच से डालते हैं वो हीरा डाल के गई थी, उधर थोड़े छोटे थे, लेकिन बड़े हमेशा थोड़े बड़े ही होते हैं। दही बड़े ऐसे रखते हैं। क्या करना है अब मम्मा? अभी इनको हल्का हल्का हाथ से निचोड़ के ताकि पानी जो है ना स्क्विज हो जाए, तो इसमें रख देना, रखते जाना। मम्मा ने ऑलरेडी यहाँ पे रख दिए हैं निकाल के, और मम्मा भी और लेकर आ रही हैं। सो ये आलू और ये सब चीजें मम्मा ने प्रिपेयर कर दी हैं एंड हियर इज मम्मा। मैं तो अभी आप कर
मम्मा कह रही है कि अभी मैं तेरे को कह रही हूँ कि मैंने चीजें सही से प्रिपेयर नहीं किया, तो मुझे मत दिखा। तो इसी वजह से खैर मम्मा कोई बात नहीं, प्रिपेयर कर लो। नहीं नहीं, अभी तो मुझे दही फेंट लेने, मम्मा दही वगैरह फेंटेगी एंड ऑल, देन मम्मा पहले सारा कुछ प्रिपेयर करूंगी फिर दिखाएंगी। ओके देन, फिर तू आना। ओके देन, इस दही में मैंने ना थोड़ी सी चीनी डाली सही, और इसमें जो है ना वो डाल दिए हैं थोड़े से उबले हुए चने डाले और आलू डाले सही, और जितने भी अपने बॉईल किए थे उतने डाले, नहीं थोड़े डाले कम डाले क्योंकि इतना ज़्यादा तो दही बड़े ही खाएंगे सही। और ये सारी चटनी है, चटनी है ये मीठी चटनी है, खट्टी मीठी चटनी है, और ये है वो हरी चटनी, दिस इज द ये दही बड़ों की समोसा चटनी, ये मतलब खट्टी मीठी चटनी है, ये भी ये चाट मसाला है, दिस इज चाट मसाला, इसमें मैंने बॉटल में डाला, और ये जो है ना मिंट वो है मिंट चटनी, और ये ग्रीन चिली, ग्रीन चिली, और अब मैं थोड़ा सा प्याज डालूंगी फिर हम मिलते हैं आपके साथ ब्रेक के बाद। ओके, मेरा बूट कौन हो जाते, ये देखो हमारे सारा दही जो है वो जितने भी बड़े थे उनके अंदर आ गए, बड़े ही बोलते हैं दही बड़े, हाँ दही बड़े, इसमें ये थोड़ा सा हल्का सा प्याज डाला, और अब ये जो पड़े रहेंगे थोड़ी देर, और अब हम इस पे डालेंगे सही, इसमें मैंने मिक्स कर दिए दोनों चटनी, ये है चटनी सही, ये हरी चटनी, और कौन सी दो चटनियाँ मिक्स की आपने, ये वो है ग्रीन चिली और वो मिंट की दोनों चटनी मिक्स कर ली है, और इस पे हम प्याज चने आलू एंड ये दही के अंदर डाले थे, और मामा ने वो बड़े के साथ ही सब ये ऊपर चटनी डाले, चाट मसाला, ये थोड़ा सा डालेंगे जिसने फिर जितना डालना होगा, ज़्यादा डालना तो ज़्यादा डाल सकते हैं, तो ये फिर अगर किसी ने जितने लेने हैं उतना डाल सकता है सही है। ये हमने डाल दिए, एंड देन तो उसके बाद ये चटनी डालेंगे सही है, इसमें ये कौन सी चटनी है, ये है दही बड़े वाली, दही बड़े की चटनी, ये मिल जाती है यहाँ पे, तो हम लोगों ने वहीं से ली है इंडियन शॉप से, ये खजूर की चटनी होती है और इसमें थोड़ी इमली की चटनी है, हम इमली की चटनी और खजूर की चटनी डालने वाली है, वो कह रही है मैं निकाल के, तो ये कौन सी चटनी डाली की चटनी वाली, खट्टी मीठी सही किया हो गया, चले जी दही बड़े हमारे हो गए तैयार, ये हो गए दही बड़े तैयार, और अब आप अपने मेहमानों के सामने रख सकते हैं और खा सकते हैं, खा सकते हैं और रख सकते हैं, लुक्स रियली गुड, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, हम खाएंगे और आप देखना आप देखना ठीक है। ओके देन, ओके सो दही बड़े जो है वो तैयार हो चुका है, यू हैव लाइक ट्राइपॉड मेरे पास पड़ा है, पर मेरा दिल नहीं करो उसे निकाल के तो यूज करने का, वे टू लेजी, तो मैंने इधर ही सोफे के अंदर उनको ऐसे डाल के, तो काइंड ऑफ लेजी, आई एम गोना ट्राई इट आउट, दिस वाओ टेस्ट सो गुड, एंड आज के लिए इतना ही, डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, लाइक कीजिए जरूर हमारी वीडियो को, वी नीड योर सपोर्ट, एंड बाय।